أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد Dear students, I am Professor Ja Mukhtar Sahib, Head of Body Department, Government, Emerson College, Multan. We are discussing chapter number 7 of first year biology. And we are discussing major group of kingdom protista, protozoa. Protozoa, animal-like protists. There are different subgroups of protozoa. Usme a group to amoebas, dusre subgroup zooflagellates, तीसरे जो सब ग्रुप है वो सीडीएट्स और नेक्स्ट जो सब ग्रुप आज हम ले रहे हैं वो है फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स. फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स दिस इज द सब ग्रुप ऑफ मेजर ग्रुप प्रोटोजोआ. और प्रोटोजोआ इज द मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा जो कि चैप्टर नंबर 7 का नाम है. फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपोड्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या है. पहली बात, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर. दे लिव इन मैरीन वाटर. इनकी हैबिटेट माहौल जिसमें पाए जाते हैं वो मैरीन वाटर है. दूसरी बात, इन ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द कवरिंग होती है, उस कवरिंग को शेल कहते हैं या टेस्ट कहते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड बाई कवरिंग. That covering is known as shell or test. जो test का foraminifera है वो calcium का बना हुआ है और test या shell जो actinopods का है वो silica का मुश्तमिल है. The organisms which belong to group foraminiferans and actinopods are found in marine water. They are surrounded by a covering. That covering is known as shell or test. Shell or test of foraminifera is made of calcium and the test of shells of actinopod are made of silica. Radiodarians, ये example है actinopods की. इनका जो shell है वो glassy shell है. Glassy, glass like. और glass क्या होता है? वो silicon dioxide होता है. So radiodarians, which is actinopod, in radiodarians the test of shell is glassy. इनका नेक्स्ट कैरेक्टर, द शेल और टेस्ट कंटेन पोर्स थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड. एक्सटेंड बाय की तरह निकलना. प्रोजेक्शन का मतलब है उभार. इन ऑर्गेनिज्म में पैर की तरफ जो कवरिंग है जिसे आप टेस्ट या शेल कहते हैं, उस टेस्ट या शेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं. उन सुराखों में से साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ निकल आता है. छोटे छोटे उभार की सूरत में वो जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहेंगे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं. बाहर की तरफ आकर वो एक नेट बना देते हैं और वो जो नेट है उसको इस्तेमाल करते हैं प्रे या शिकार को एंटेंगल करने के लिए. एंटेंगल का मतलब है संसाधन. ऑन द शेल और टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट. थ्रू दो स्मॉल पोर्स साइटो प्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड. दो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन फ्रॉम स्टिकी इंटर कनेक्टेड नेट. स्टिकी लेस द नेट जब साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन फ्रॉम स्टिकी इंटर कनेक्टेड नेट विच इज यूज टू एंटेंगल प्रे. एंटेंगल फंसाना और प्रे का मतलब है शिकार. जो फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपोड्स के शेल हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स, उन पोर्स में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं. बाहर की तरफ एक्सटेंड करके वो नेटवर्क बनाते हैं जहां से स्टिकी सेक्रीशन सीक्रेट होती है. एंड दिस स्टिकी नेटवर्क इज यूज्ड टू कैप्चर टू कैच टू एंटेंगल प्रे. इन ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस या अहमियत, जब फोरामिनिफेरेंस ये डेथ हो जाती है तो ये जो डेड फोरामिनिफेरेंस है दे सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन. ये समंदर ओशन का जो बॉटम है उसमें डूब कर नीचे चले जाते हैं और नीचे जाकर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं. चूंकि इनमें हार्ड शेल होता है वो जो शेल है वो डिपॉजिट होता चला जाता है. डिपॉजिट होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है. उनके जमा होने से रॉक्स चटकने सी बन जाती है जो चाक पर मुश्किल है. चाक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है. क्योंकि इनका टेस्ट या शेल जो है उसमें कैल्शियम मौजूद है. सो डेड फॉर अ मिनिफेरेंस
sink to the bottom of the ocean. On the bottom of the ocean, they form gray mud. Later, this gray mud gradually transforms into chalk. ये ऐसा ऐसा फिर chalk में convert हो जाती है. माजी में क्या हुआ? Flora mini ferrus जो है उन्होंने बड़े-बड़े deposits बनाए. Limestone deposits. Limestone क्या होता है? Calcium carbonate होता है. चूना है limestone और चूना जो है वो chemically क्या है? Calcium carbonate है. तो माजी में Flora mini ferrus की death से उनके जो crust हैं या shell हैं वो ओशन के बॉटम पे जमा हुए. जमा होने की वजह से उन्होंने बड़े बड़े वास्ट डिपॉजिट्स बना दिए लाइमस्टोन के. और वो जो डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन है दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. वो चाक या कैल्शियम कार्बोनेट का रिच सोर्स है. ये इनकी इम्पोर्टेंस है. तो डेट फॉर अ मिनी फेरेंस सेंट टू द बॉटम ऑफ द ओशन आफ्टर देयर डेथ एंड दे एक्यूमुलेट एंड दे फॉर्म ग्रे मड. That grey mud gradually develops into chalk. In the past, Flora mini ferrus formed vast deposits of limestone. इस ग्रुप की जो एग्जांपल है, Flora mini ferrus की एग्जांपल है फ्रेंड और एक्टिनोपोड की एग्जांपल है रेडियोलेरियस. इस ग्रुप के जो करैक्टर्स हैं, they are found in marine water. They produce shell or test. The test of shell of Flora minifera is made of calcium. Test of actinopod is made of silica. Radiolarians, which is the actinopod, it has glassy shell. The shell of test contain pores through which cytoplasmic projection can be extended. These cytoplasmic projections form sticky and interconnected net. This sticky and net interconnected net is used to entangle the prey. And that Flora mini ferrus sink to the bottom of the ocean where they form grey mud. Later this grey mud gradually develops into chalk. In the past Flora mini ferrus formed vast deposits of limestone. Example of Flora mini ferrus is friend and example of actinopods is radiolarians. In the end I have a little request to subscribe the channel so that you may receive my upcoming videos without any delay. Inshallah, we meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.